हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वही वाला पाव है जिसे हम पाव भाजी के साथ, बड़ा पाव या दाबेली में यूज करते हैं। तो इस पाव को हम बड़े ही आसानी से घर पे बनाएंगे। इसे हम कढ़ाही में बना के दिखाएंगे। तो इसे हम घर पे हाइजेनिक तरीके से बना के आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये पाव की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम पाव बनाना शुरू करते हैं। पाव बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 150 ग्राम मैदा, 4 चम्मच शक्कर, 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, ईस्ट, दूध, बटर, जरूरत के अनुसार हम पानी यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल लेंगे और उसमें हम मैदे को डालेंगे। साथ में हम डालेंगे नमक, मिल्क पाउडर, ईस्ट, ये ड्राई ईस्ट है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, 4 चम्मच हम शक्कर डालेंगे, 4 ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो ये हमारा दूध जो है हल्का गुनगुना गर्म है, यानी कि हम अच्छे से इसे सह सकते हैं। तो हम यहाँ पे गुनगुना दूध डाल रहे हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में हम पानी डालेंगे और मैदे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे को हमने मिक्स कर लिया है तो हमें ऐसे ही गीला मैदा चाहिए। पाव के लिए हम इतना ही मैदा लूज करके मिक्स करते हैं। अब हम इस मैदे को प्लेटफॉर्म पे डाल के और हाथ से इसे हम मस लेंगे। तो हम मैदे को प्लेटफॉर्म पे निकाल ले रहे हैं। मैदे को हमने प्लेटफॉर्म पे निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1-1 चम्मच बटर लेंगे और ऐसे मिक्स करते हुए अच्छे से फेंटेंगे। तो इसे हम 12 से 15 मिनट तक हथेलियों से ऐसे फेंटेंगे। एक अपने आप एक अच्छा सा डो तैयार हो जाता है। तो इसमें मेहनत का काम यही है, मैदे को अच्छे से मसलना। तो हम ऐसे मैदे को अच्छे से मसलेंगे। हमने मैदे को 10 से 12 मिनट तक ऐसे हाथ से मसला है। तो आप देख सकते हैं अब ये अच्छे से बंध चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ में बटर लेंगे और इसे एक बार अच्छे से और मसल लेंगे। ऐसे हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो ये अपना डो जो है फाइनली तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे लपेटते हुए और एक बॉल में इसे डाल देंगे। डो को हमने बॉल में रख लिया। अब हम इसे किसी गर्म जगह पे 1/2 घंटा से 1 घंटा तक फूलने के लिए छोड़ देंगे। अगर गर्म जगह है तो 1/2 घंटा 1 घंटा में होगा। अगर मौसम ठंडा है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, यानी कि ये जब तक फूल के डबल होगा तब तक हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम एक कवर से इसे कवर करके और छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए 1 घंटे बाद हम मैदा को चेक कर लेते हैं। तो हम ढक्कन हटा लेंगे। आप देख सकते हैं कि अपनी मैदे की क्वांटिटी फूल के कितनी हो गई है। इसे हमने 1 घंटा के लिए गर्म जगह पे रखा था। अब हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और इसके ऊपर हम इसे उलट लेंगे।
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा अपना मैदा फुला हुआ है। अब हम इसकी थोड़ी सी पंचिंग करेंगे जिससे इसका एयर निकल जाए। तो हमें ज्यादा नहीं पंचिंग करना है, दो से तीन बार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे एक लंबा सा रोल बना लेंगे और ऐसे हम इसे प्लेटफॉर्म पे ही फैला लेंगे। हमने मैदे को प्लेटफॉर्म पे पंचिंग करके एक लंबा सा रोल बना लिया है। अब हम इसको काटेंगे। तो एक पॉइंटेड स्पैचुला लेंगे और हम बराबर मात्रा में इसके टुकड़े कर लेंगे। तो ऐसे हम अपने मनपसंद साइज का पाव का कटिंग कर लेंगे। तो हमने सारे मैदे का कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस ट्रे में हमें पाव बनाना है उसे ग्रीस करेंगे। तो हम एक टीन लिए हैं, आपके पास कोई भी शेप का टीन हो तो ले लीजिए। अब हम इसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ऐसे हम इसे ग्रीस कर लेंगे। अब हम एक एक लोई को उठाएंगे और इसे हम अच्छे से ऐसे अंदर की तरफ लोई को गोल करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, हमने ये पाव का शेप तैयार किया और हम ट्रे में एक एक करके इसे शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम दूसरा लोई लेंगे और अंदर की तरफ इसे ऐसे करके गोल कर लेंगे और ऐसे हम थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के इसे शिफ्ट कर लेंगे। तो हमने ट्रे में पाव को अच्छे से रख लिया है। अब फिर से हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक कढ़ाही ले लिया है। कढ़ाही में हम एक नमक डाल देंगे। तो ये अपना नॉर्मल नमक है जिसे हम डेली खाने में यूज करते हैं। और इसके ऊपर हम एक डिंग रख देंगे। आपके पास कोई भी स्टैंड हो तो यहाँ पे रख दीजिए। अब हम गैस को ऑन करके और एक ढक्कन से कवर करके इसे 5 मिनट तक टेम पे प्री हीट करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम पाव को चेक करेंगे। तो पाव अपना फूल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा दूध से ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा, फूलने के बाद पाव जो है अपना अच्छे कलर में तैयार होता है। तो हम थोड़ा सा इसके ऐसे ब्रशिंग जैसे कर लेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने नमक प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम ढक्कन को हटा लेंगे। तो ढक्कन हम किसी कपड़े से पकड़ के हटाएंगे क्योंकि बहुत ही गर्म है। अब हम इसके ऊपर अपना ट्रे शिफ्ट कर देंगे और हम ढक्कन को उलट के ऐसे रख देंगे। 5 मिनट पर हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को स्लो करके 10 मिनट और पकाएंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम पाव को चेक करेंगे। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक कपड़ा के हाथ से हम थाली को हटाएंगे क्योंकि थाली बहुत ही गर्म है। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी पाव फूल के तैयार हुई है। अब हम इसे ठंडा होने के बाद आपको दिखाएंगे। पाव को हमने ठंडा होने पर निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कैसे ये अपना स्पंजी पाव तैयार हुआ है। हम इसे दबा के छोड़ रहे हैं, फिर अपने शेप में आ जा रहा है। तो ये अपना स्पंजी पाव तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बटर ऐसे लगा देंगे। इससे क्या होता है, इसमें शाइनिंग भी आ जाती है और ऊपर का जो ड्राइनेस है वो भी मॉइस्चर में बदल जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, बिल्कुल जड़ा सा, और इसे हम कवर करके थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने घर पे कढ़ाही में
पाव को कितना बढ़िया तैयार किया है। ऐसे हम दबा के छोड़ रहे हैं तो ये अपने शेप में आ जा रहा है, एकदम स्पंजी पाव बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस पाव को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये पाव की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।